भिवाड़ी के फूलबाग थाना अंतर्गत 29 मई की रात को हुई मुख्यमंत्री जन आवास योजना के कार्यालय में चोरी के बाद अभी तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अज्ञात चोरों ने ऑफिस से चुराया इलेक्ट्रॉनिक सामान वापस ऑफिस में रखने से पुलिस सहित सभी को हैरत में डाल दिया है। लेकिन माल बरामद के बाद भी पुलिस अभी तक चोरों को नामजद नहीं कर पाई। थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि जन आवास योजना में कार्यरत गजराज यादव ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 29 मई की रात अज्ञात चोर ऑफिस के पीछे की दीवार को तोड़कर ऑफिस में रखी एलईडी प्रिंटर, यूपीएस, बड़ी बैटरी सहित इन्वर्टर चोरी करके ले गए थे। पुलिस चोरों की तलाश में लगी थी, लेकिन अज्ञात चोर खुद ही देर रात ऑफिस के पीछे चुराया गया पूरा सामान छोड़कर चले गए। पुलिस ने माल को जब्त कर लिया है और चोरों की अभी भी तलाश जारी है। तारीख को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के ऑफिस के पीछे की दीवार तोड़ के और दो चोरों ने वहां से कुछ सामान चोरी किया था, कंप्यूटर की एलसीडी, इन्वर्टर, बैटरी, सिलेंडर वगैरह। आज हमें सूचना मिली थी सुबह कि वहीं पे दीवार के पीछे घटनास्थल पर वो सामान पड़ा है त्रिपाल से ढका हुआ, जो उस समय घटनास्थल के निरीक्षण के समय वहाँ नहीं मौजूद था। आज वो सामान हमने वहाँ से जब्त किया है। जो भी सामान गया था चोरी वो 100% पूरा का पूरा वहाँ से रिकवर हुआ। सर अभी अज्ञात है, नामजद कर लिए गए हो? अभी तक नामजद नहीं किए गए, लेकिन हम पुलिस के जिस तरह से प्रयास चल रहे थे और नज़दीकी थे, आज अचानक से वो सारा का सारा सामान वहाँ पे संभवतः जो चोर अपराधी हम उनके द्वारा